हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मैनी मोर। कोई भी जब फेस्टिव सीजन हो या ओकेशन हो, हम ज़रूर न ज़रूर खीर तो ज़रूर बनाते ही हैं, मगर खीर में 20 to 30 मिनट्स यूजुअली लग जाता है। उस टाइम का क्या जब आपको बहुत जल्दी से खीर बनानी है। सो मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही ईजी टेक्निक जिससे आप अपनी राइस खीर बहुत जल्दी से बना सकते हैं। चलिए फिर विदाउट गेटिंग लेट जान लेते हैं वो कौन सा है यूनिक तरीका जिससे हम अपनी राइस खीर बहुत जल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है ये मिल्क पाउडर, ये हो गए पिस्ता, ये हो गए चिरौंजी, ये हो गए बादाम, यहाँ ये मैंने इलायची ले ली है, कुछ टुकड़े ले लिए हैं काजू के, ये हो गया हमारा आधा कप शक्कर, ये हो गए दूध में हमने कुछ सेफ्रन थ्रेड डाल रखे हैं जिनको हम बोलते हैं केसर के धागे। यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ आप नोट करेंगे चावल मैंने कच्चे नहीं लिए हैं, चावल को मैंने मैशी करके पहले से ही बॉईल कर लिया है या बना लिया है। सो ये हो गए चावल जिनको मैंने 1 कप तक ले लिया है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम अपने राइस खीर में डालने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, फटाफट से जान लेते हैं कुकिंग प्रोसेस। ये दूध मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है और सारे जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चाहे वो मिल्क हैं या जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैंने फर्स्ट स्क्रीन पर स्पेसिफाई कर दिए, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ ये मिल्क पाउडर है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये दूध डाल रही हूँ और दूध को मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ दोनों को, ताकि उनमें कोई भी लम्स या घाटे नहीं रहे। चलिए अब अच्छे से दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालें। अगर एकदम डालेंगे तो जो मिल्क पाउडर होगा उसकी गाँठें बन जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और दूध को और मिल्क पाउडर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब ये जो दूध और मिल्क पाउडर का जो बैटर तैयार हुआ है वो मैं चावल के अंदर मिक्स कर लूँगी। आपको ये जो चावल पहले से जो बॉइल्ड हैं उनको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक्चुअली जो दूध है वो गर्म नहीं था, वो ठंडा है। अगर गरम होएगा तो हल्का सा गरम होगा तो अच्छा है, ताकि जो सैफ्रन थ्रेड्स के जो कलर है वो रिलीज़ हो जाएगा और हमारा खीर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। मैंने एक्चुअली दूध को गरम नहीं किया है, क्योंकि वैसे भी हम ये दूध में डालने वाले हैं तो सैफ्रन का कलर धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए जो अभी बैटर रेडी हुआ है उसको हम डाल लेते हैं हमारे ये बॉइल्ड दूध में। हमारा दूध बिल्कुल बॉइल्ड है और ये बैटर मैं उसमें डाल रही हूँ। क्योंकि हमारा दूध अब ऑलरेडी बॉइल्ड है और चावल भी बॉइल्ड है, तो अब खीर बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट टेक्स नियर बाय 10 मिनट्स हार्डली। अब जी आपने एक ही काम करना है, बस इसको अच्छे से बॉइल होने देना है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे दूध थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मीन्स थोड़ी ये विस्कस लग रही थी खीर, तो मैंने पानी ऐड किया है। अब आपने कुछ नहीं करना है, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स थे एक्सेप्ट पिस्ता, वो सब इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे। ये हो गई इलायची, ये हो गई चिरौंजी, हमने डाल दिया है बादाम, ये ऐड हो गया शक्कर। चलिए जी, ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं, बस हमें अब एक ही काम करना है, अच्छे से इसे बॉईल होने देना है। खीर जैसे जैसे बॉईल होएगी, आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने इसे बीच बीच में से थोड़ा सा घुमाना है, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा होके नीचे चिपक ना जाए। ये हमारी खीर बॉईल हो रही है। और आपने एक और चीज़ भी ध्यान रखना है, जैसे जैसे दूध बॉईल होता है वैसे वैसे साइड में एजेस पर मलाई जम जाती है, वो आपको स्क्रैच आउट करके निकालती जानी है। यहाँ ये आप देख रहे हैं मैं स्क्रैच आउट करके ये मलाई निकाल रही हूँ। ऐसा करने से 2 काम होते हैं, मतलब जब मलाई हम स्क्रैच आउट करके डालते हैं दूध में ही, तो उसका फ्लेवर तो बढ़ता ही है, प्लस थोड़ी सी हमारी खीर विस्कस भी हो जाती है। चलिए जी, यहाँ ये बॉईल होते होते 10 मिनट्स हो चुके हैं खीर को। अब चेक कर लेते हैं, चावल ऑलरेडी बॉईल थे, ये देखिए अब ये हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है चावल और हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है।
सो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और अब चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। ये मैंने डिश में निकाल ली है खीर, और इसको गार्निश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिस्ता। ये पिस्तों से आप अच्छी तरीके से इसको गार्निश कर लें। लीजिए जी, आपकी राइस खीर रेडी है खाने के लिए। सो देखा कितना आसान तरीका था और कितने जल्दी हमारी खीर बन गई। राइस खीर बनाने में यूजुअली 30-40 मिनट्स या 25 मिनट्स मिनिमम लगते ही हैं। ये तरीका आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई फेस्टिव सीज़न है और आप और जब आपने खीर बहुत जल्दी तरीके से बनानी है। सो ये हो गया बहुत ही ईजी प्रोसेस हमारी राइस खीर बनाने का। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप नए हैं तो घंटी जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे जो भी नए अपडेट्स हैं, जो नई रेसिपीज़ हैं, जो मेरे न्यू वीडियोस हैं, बहुत जल्दी से जल्दी आपको मेरे मिल सके। चलिए मिलती हूँ कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लिसफुल, स्टे हेल्दी।